Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. And if you are new to my channel, then hi, this is Bhumi and I'm making videos on travel, fashion, lifestyle and everything I'm interested in. So by the title, you already know कि आज हम करने वाले हैं Schmitten box unboxing. And yes, मुझे actually Schmitten app बहुत ज़्यादा पसंद है. Easily इस पे trial size product मिल जाते हैं. And अगर वो product मुझे actually suit करे, मुझे पसंद आए, तो ही मैं full size bottle में invest करती. So बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो चुकी हैं. मुझे लगता है कि truck वालों की अपनी ही अलग दुनिया होती है. सो ऑलरेडी बहुत ज्यादा तारीफ कर ली है मैंने Schmitten box की. अब देखते हैं कि उसमें मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग. एंड मैंने अनबॉक्सिंग तो कर ली है पर मैंने कोई भी चीज इसमें से ओपन करके ट्राई नहीं की है. सो वो सारी अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड आप देख सकते हो कि मुझे काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं. एक्चुअली इनमें से कुछ फ्री गिफ्ट्स भी है. 6 ट्रायल पॉइंट्स के ऊपर आपको कुछ फ्री गिफ्ट्स भी Schmitten box देता है, विच इज अगेन अमेजिंग बिकॉज आजकल फ्री गिफ्ट देता ही कौन है. So this is the first thing I got and this is by Ever Youth Naturals and this is a body lotion in the variant Flora. Now this retails for ₹99. Here is the tag. Yes, this is a bottle of 100 ml. Now ये I think मुझे 1 or 2 trial point पे मिला होगा. Maybe no, I got it for free. या 100 rupees की बॉटल मुझे एक्चुअली फ्री में दे दी. अमेजिंग, पहली प्रोडक्ट मुझे फ्री मिल गई है. दिस इज एवर यूथ नेचुरल्स बॉडी लोशन रिजुविनेटिंग फ्लोरा डेली मॉइस्चराइजेशन 24 आवर विथ आलमंड मिल्क एंड लिखा है नॉन स्टिकी. सो लेट्स सी द कंसिस्टेंसी. एंड यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ. दिस इज द कंसिस्टेंसी, काफी क्रीमी है. फ्रेग्रेंस फ्लोरल है बट काफी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस लग रही है मुझे. एंड एब्जॉर्ब होने में भी काफी ज्यादा टाइम ले रहा है. स्किन पे भी ये मुझे थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है अभी तो. आई डोंट नो अबाउट फर्दर. नाउ फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करें तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्किन में एब्जॉर्ब होने पर. इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी स्ट्रांग है. सो अगर आपको स्ट्रांग फ्रेग्रेंस पसंद ना हो तो यू कैन स्किप दिस. बट आई हैव टू से कि ये काफी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है. अब ये कितना रिटेन करता है हमें देखना होगा. सो लेट्स सी. नेक्स्ट अप इज फ्रॉम प्लम बॉडी लविंग एंड दिस इज देयर बॉडी बटर इन द वेरियंट वनीला वाइब्स. And this is very small tub. This has 25 grams of product in here and this retails for ₹120. And ये actually मुझे एक या दो trial point पे maybe मिला होगा. Oh, this is also I got for free. Like wow, this ये भी मुझे free में मिला है. बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है हमारे video की. नाउ एक्चुअली ये मुझे कब का रिसीव हुआ था Schmitten box, आई थिंक 15 दिन तो हो गए होंगे. बट इस पे वीडियो बनाना मैं भूल गई थी क्योंकि दिवाली एंड सब चल रहा था. सो इसका वीडियो बहुत ज्यादा डिले हो चुका है. सो सॉरी फॉर दैट. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, ये कुछ ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है. ऐसी कैप मिल जाएगी एंड इन हियर यू हैव अनदर कैप. इज द बॉडी बटर एंड ये कुछ ऐसा सा दिखता है. लाइक वाओ, फ्रेग्रेंस तो इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. इट्स वेरी वेरी डिलीशियस एंड वेरी डिवाइन एट द सेम टाइम. बहुत ज्यादा अच्छी है. जैसा इसका जो मिस्ट आता है वनीला वाइब्स का, ये बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस है. एंड इफ यू लाइक, आई एम नॉट इन अ गोमन फ्रेग्रेंस, मुझे इतना ज्यादा वॉर्म एंड गोमन फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है. बट दिस इज रियली एन एक्सेप्शन. मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है इसका फ्रेग्रेंस. एंड लेट मी सी द कंसिस्टेंसी एंड लेट मी, एक्चुअली मुझे यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी इस पे एवर यूथ का है. हमेशा मैं गलती कर देती हूँ बट चलिए अलग जगह लगाते हैं थोड़ा और. एंड लेट मी स्वॉच इट हियर. बॉडी बटर जैसा इसका नाम है, कंसिस्टेंसी इसके बिल्कुल बटर जैसी है.
बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्लाइड करता है। अब देख सकते हो कि स्किन मेरी काफी ज्यादा स्मूथ लग रही होगी। आई डोंट नो, कैमरे पे तो नहीं पता चलेगा, बट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि स्किन मेरी काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है एंड स्टिकी नहीं है। फर्स्ट इम्प्रेशन मेरी देखा जाए तो कैन वी इन्वेस्ट इन दिस? येस डेफिनेटली, बट अगेन द क्वांटिटी यू आर गेटिंग ₹120 में आई थिंक इट्स अ लिटिल लेस। सो अगर आपको बड़ा टब अच्छे से डिस्काउंट पे मिल जाए तो यू कैन परचेज ऑलवेज। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करें तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आई, इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल बटर वाली है तो ये भी पसंद आई। मे बी यू कैन से कि ये अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा ये, क्योंकि ये बटर कंसिस्टेंसी है। एज द नेम सजेस्ट इट्स अ बॉडी बटर, सो बिकॉज ऑफ दैट ये मे बी आपको थोड़ा सा हैवी लगे, बट अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो ये आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ कर दिया है मेरे हाथ को। सो आई एम रियली लाइकिंग इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज फ्रॉम नेचुरल वाइब्स एंड इट्स देयर ग्लोड अप फेस सीरम। दिस ब्राइटन्स योर कॉम्प्लेक्शन, एड्स ग्लो एंड क्लियर स्किन एंड लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है एंड कार्डबोर्ड थोड़ा फ्लिम्सी सा कार्डबोर्ड है। अभी मैंने इस ब्रांड के बारे में कुछ नहीं सुना, बट जैसे विंटर आ रहा है सो आई रियली वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन सम गुड फेशियल सीरम एंड फेशियल ऑयल्स। सो फॉर दैट आई प्लेस द ऑर्डर एंड आप देख सकते हो कि ये काफी ज्यादा छोटी बॉटल है, लाइक मेरी पिंकी फिंगर से भी बहुत ज्यादा छोटी है। इट्स वेरी टाइनी एंड प्रोडक्ट भी इसमें थोड़ा सा कम मिला है मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये एक्चुअली कितने का रिटेल करता है इतना छोटा? ओ माय गॉड, दिस रिटेल्स फॉर ₹299, लाइक यू कैन रीड इट हियर, ₹299 में ये रिटेल करता है। एंड आई गॉट दिस ऑन 2 ट्रायल पॉइंट्स, सो आई थिंक अगर आप ट्राई करना चाहो तो आपको स्मिटन बॉक्स से ही इसे परचेस करना चाहिए। नाउ ये कुछ ऐसे ड्रॉपर फॉर्म में आता है एंड आप इसका ड्रॉपर भी देख सकते हो, टेढ़ा सा ड्रॉपर दिया है। चलिए मैंने अपने हाथ को अगेन थोड़ा सा साफ कर लिया है एंड लेट मी सी द कंसिस्टेंसी। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा रनी है एंड दिस इज अ कंसिस्टेंसी, आई होप कि कैमरा कैप्चर कर पा रहा है। फ्रेग्रेंस एक्चुअली है ही नहीं। यस, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है एंड माइल्ड फ्रेग्रेंस भी आई थिंक कुछ जैस्मिन जैसी माइल्ड फ्रेग्रेंस जो होती है बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस है। इट्स वेरी लाइट वेट एंड बिल्कुल स्टिकी नहीं है, तुरंत ही एब्जॉर्ब हो गया स्किन में। सो पैच टेस्ट करने के बाद अगर ये मुझे सूट करेगा सो मैं इसका दूसरा ऑर्डर भी प्लेस कर दूंगी एंड इस पे मैं इनडेप्थ रिव्यू बनाऊंगी। सो लेट्स नेक्स्ट अप इज दिस इज फ्रॉम प्लम बॉडी लविंग एंड दिस इज देयर बॉडी स्क्रब एंड दिस इज इन द वेरियंट वेकाचिनो। नाउ टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग, ये अगेन प्लास्टिक बॉटल है, जैसा वो टब था बिल्कुल वैसा ही ये भी प्लास्टिक का है एंड दिस रिटेल्स फॉर ₹99। दिख रहा है क्या? फोकस फोकस है। दिस रिटेल्स फॉर ₹99 एंड इसमें आपको 15 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। नाउ अभी तक मैंने इसे ओपन नहीं किया है, लेट्स सी, मेरा नाखून ना टूट जाए। वन इटर्निटी लेटर। वाओ, ये मतलब ये ड्राई है? ओ गॉड, दिस इज वेरी ड्राई। पूरा स्पिल कर दिया मैंने, मुझे कचरा निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। इट्स अ ड्राई स्क्रब एंड फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफी वाली है। नाउ लेट्स सी द कंसिस्टेंसी। व्हाट, ये स्क्रब, ये बिल्कुल पाउडर जैसा है। इट्स लाइक स्ट्रेट अप किसी ने कॉफी ग्राइंड करके दे दी हो, ये बिल्कुल वैसा स्क्रब है। And can you see this?
ये तो किसी भी एंगल से बॉडी को स्क्रब नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक सो कि ये बॉडी स्क्रब के लिए अप्रोप्रिएट हो गया, क्योंकि जो स्क्रब के पार्टिकल्स चाहिए ये बिल्कुल वैसा है ही नहीं। कॉफी पाउडर आपको ग्राइंड करके दे दिया है, बिल्कुल वैसा है। एंड आई डोंट नो कि मैं क्या रिव्यू करूँ इससे, क्योंकि जिस तरह का मेरा जो प्रोडक्ट्स आई रिग्रेट बाइंग वाला, जो मैंने वीडियो में इसका फीचर किया था, दूसरा वेरिएंट, लाइक आई थिंक इट वाज इन अ चेरी वेरिएंट, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड आई थॉट कि कॉफी वेरिएंट मुझे पसंद आ जाएगा, सो फॉर दैट आई परचेस्ड एन ऑर्डर। एंड ये भी मुझे अभी फर्स्ट इम्प्रेशन में तो पसंद नहीं आया, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स होना चाहिए बॉडी स्क्रबिंग के लिए, ये बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी है नहीं। कैसे एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा बाइंडिंग प्रोडक्ट हो या थोड़ा सा स्टिकी फील हो, ये बिल्कुल वैसा भी नहीं है। ड्राई स्क्रब क्या, ये ड्राई कॉफी पाउडर है, जो ग्राइंड किया हुआ कॉफी पाउडर है। लाइक आई डोंट लाइक दिस, फर्स्ट इम्प्रेशन में तो ये पास नहीं हुआ मेरे। एंड ये थोड़ा सा स्पिल हो गया है, वो भी अलग नुकसान, ये मुझे साफ करना पड़ेगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट अप वी हैव अ फेशियल स्क्रब, एंड दिस इज फ्रॉम मर्मेड लाइक जलपरी। एंड आप देख सकते हो कि काफी छोटी सी डिब्बी हमें रिसीव हुई है, इट्स सो टाइनी। एंड दिस इज देयर ग्लो फेशियल स्क्रब, सॉरी ये गुआवा ग्लो फेशियल स्क्रब है, गुआवा यहाँ पे लिखा है पर थोड़ा सा वाइट में है तो पता नहीं चला, नेवर माइंड। एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप, जिस तरह के स्क्रब की फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, आई होप कि इसकी हो। फ्रेग्रेंस इसकी जो मसाला गुआवा कैंडी आती है बिल्कुल वैसी है, खाने का भी मन कर रहा है बट ऑब्वियसली खाएंगे नहीं। एंड यू कैन सी दिस, यस सो जेल कंसिस्टेंसी एंड कुछ इस तरह का स्क्रब है। एंड वेल ग्रैन्यूल्स काफ़ी माइल्ड है, जेंटल एक्सफोलिएशन के लिए परफेक्ट है। फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करूँ तो फ्रेग्रेंस मुझे पसंद आई, ग्रैन्यूल्स भी इसके अच्छे है। एंड आई थिंक एक्सफोलिएशन में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मैं एक बार अगर इसे यूज कर लूँ फेस पर तब मैं इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगी। सो फर्स्ट इम्प्रेशन में ये पास हो चुका है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस। सॉरी प्राइस बताना तो भूल ही गई, ये रिटेल करता है कुछ 79 में, यस। एंड ये मुझे फ्री में रिसीव हुआ है, सो दिस इज अगेन अ फ्री गिफ्ट। नेक्स्ट अप इज अ सीरम एंड दैट इज बाय पिलग्रिम। एंड पिलग्रिम का एडवर्टीजमेंट मे बी आपने इंस्टाग्राम पे 500 बार देखा होगा, बार बार इंस्टाग्राम पे पिलग्रिम की एड आती रहती है एंड इवन यूट्यूब पे भी आती रहती है। सो दिस इज पिलग्रिम सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड एंड दिस इज 2% हाइलोरोनिक एसिड हाइड्रेशन सुपर सीरम विथ कीवी एंड वाटरमेलन एंड दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री एंड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। एंड दिस रिटेल्स फॉर ₹200 एंड आई गॉट दिस फॉर 1 ट्रायल पॉइंट, यस। कुछ ऐसी छोटी सी बॉटल रिसीव हुई है, दिस इज अगेन अ ग्लास बॉटल एंड सीरम एक्चुअली ग्लास बॉटल में हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। एंड आप देख सकते हो कि ये कंसिस्टेंसी रनी नहीं है, ड्रॉप लगाने के बाद भी ये बिल्कुल हाथ पे से फिसला नहीं, जैसे कि बताया कि इस पे कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, एब्जॉर्ब होने का थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आप देख सकते हो शाइन मार रहा है, मेरा हाथ बिल्कुल चमक रहा है। बात करें फर्स्ट इम्प्रेशन की तो ये मुझे अगेन अच्छा लगा, क्योंकि एक्सट्रीम विंटर में ये शायद मेरे लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट होगा। अगेन हाइलोरोनिक एसिड जो होता है वो आपकी स्किन को प्लम्प इफेक्ट देता है, थोड़ा सा ग्लोई दिखाता है, सो फॉर दैट आई कैन डेफिनेटली यूज। एंड स्टिकी थोड़ा सा लग रहा है अभी, सो फॉर नाउ अभी एक्सट्रीम विंटर्स नहीं चल रहे हैं, सो अभी मैं इसे यूज नहीं करूंगी, बट दिसंबर की जो सर्दियां आने वाली है उसमें मे बी ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट होगी मेरे लिए, सो तब की तब देखेंगे। सो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस, क्योंकि जिस तरह की एड कैंपेन वो चला रहे थे इंस्टा पे एंड यूट्यूब पे, सो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा था मुझे कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। बिकॉज ऑफ इट्स ऑल स्किन टाइप मैं इस पे डेफिनेटली एक डेडिकेटेड रिव्यू बनाऊंगी, सो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसमें से हेल्प मिल जाएगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
Last but not the least, this is a nail polish and this is a glitter nail polish and मेरे पास ऐसा कोई भी शेड था नहीं and I really love blingy things and this is by Miss Nails and this is gloss me nail color. It's actually yes code लिखा है this in the shade 11 and looking something like this. But problem क्या हो गया? It was a used bottle and let me show you the main problem. कुछ ऐसा सा ब्रश मुझे रिसीव हुआ सो फॉर दैट डेफिनेटली मैं अपने पैसे जाने तो देने नहीं वाली थी सो मैंने इसका कंप्लेन डाला श्मिटन ऐप पे एंड द सर्विस वॉज रियली गुड एंड विद इन 24 आवर्स मेरे अकाउंट में 35 रुपीज जमा हो चुके थे सो आई मस्ट से कि उनकी सर्विस भी बहुत ज्यादा अच्छी थी. सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. ये बिल्कुल भी अनस्पॉन्सर्ड वीडियो था. मुझे श्मिटन बॉक्स से कोई भी पैसे नहीं मिले ना ही ये श्मिटन बॉक्स मुझे पीआर में रिसीव हुआ. एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो सो देन प्लीज डू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. ऑल्सो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना ताकि अगली बार और कोई भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. ऑल्सो इन सारी चीजों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर अवेलेबल होंगे तो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है सो मे बी इनमें से कुछ आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकते हैं बट मैं श्मिटन ऐप की लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर आपको इनमें से किसी भी चीज का फुल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. एंड या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. सी यू सून. बाय.